ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तैयार है, कितना सुंदर है। और इसमें मैंने धागा लगा दिया। हेलो फ्रेंड्स, कांसा क्राफ्ट में आपका स्वागत है। और चलिए कान्हा जी के लिए, राधा रानी के लिए सुंदर सा माला बनाते हैं मोतियों का। तो इसके लिए मैंने देखिए एक नीडल लिया है और ये थ्रेड है, लैलून वाला थ्रेड है। आप कोई भी थ्रेड ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ करें। और ये मोती लिया है मैंने, ये क्रिस्टल मोती है और ये 6 नंबर की वाइट मोती है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक वाइट मोती, एक क्रिस्टल वाली मोती लंबी वाली, ये देखिए ऐसे डाला, और फिर एक वाइट मोती और एक क्रिस्टल वाली मोती, ये कुछ इस तरह से डालेंगे, ठीक है। और फिर इसमें हम इसको नीचे लाकर हम यहाँ पे गांठ बना लेंगे इसको ऐसे, ये देखिए ये गांठ बनाने पे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से मजबूती से गांठ बना देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे। अब क्या करना है, ये देखिए ये कुछ इस तरह से बन गया है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग वायर को बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये निकल गया। आप चाहो तो इसे एक बार सिक्योर कर सकते हो अच्छे से राउंड लगाकर, ठीक है। मैं एक बार राउंड लगा रही हूँ चारों तरफ इसके, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें से अंदर से ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये हमारे ये बनके तैयार है। अब क्या करना है, इसमें एक वाइट मोती लेनी है, एक ये मोती लेनी है क्रिस्टल वाली, फिर से एक वाइट मोती लेनी है, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब हमें इसके दूसरे साइड से निकालना है, ये देखिए, ठीक है, सेम है। तो ये लिया, फिर से हम लोग पीछे से कर देंगे, ये देखिए। ऐसे ही हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। जितनी लंबी आपको बनानी है उसके हिसाब से, आप अपने लड्डू गोपाल के हिसाब से आप उतना लंबा इसको बनाइए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा आगे तक बनाकर मिलते हैं।